तो मैं मैंने उनको बताया कि मैं 50 लाख रुपया लूंगा। बहुत महंगी फिल्म बनाई थी, मेरा ब्रदर लाया उसे जंगल क्वीन से, नो डायरेक्टर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म 1.5 लाख हो गई, लेकिन 90 लाख रुपए की फिल्म थी, 92 लाख रुपए की उसकी बुकिंग थी। बेग साहब कहीं जान लगे तो मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा बेग साहब बेग साहब रुक गए। मैंने कहा बेग साहब मैंने आपको सलाम किया, आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट, मैं हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमने एक तफसीली इंटरव्यू किया है नासिर अदीब साहब का, द लेजेंड ऑफ मौला जट के राइटर, उन्होंने बाकी 412 फिल्में लिखी, पुरानी मौला जट के भी राइटर। उन्होंने लेजेंड ऑफ मौला जट पर क्या क्या बात की है, इस वक्त वो क्या कह रहे हैं, कहाँ कहाँ से ऑफर आ रही है, अभी ये मुआवजा कितना लेंगे, मुआवजा इन्होंने कितना बढ़ाया, और इंडियन फिल्म का मुआवजा अभी इन्होंने साइन की है जो उसका कितना लिया, एक महीने के लिए कैनेडा जाएंगे। फिर उसके बाद हमने मौला जट के हवाले से भी बात की, फिर नदीम साहब के हवाले से किस्सा उन्होंने सुनाया कि नदीम साहब ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया था, 1975 का किस्सा है, वो क्या किस्सा है, फिर उन्होंने उनसे क्या कहा था और क्या बात हुई थी उसके ऊपर, ये भी है, और भी काफ़ी सारी खबरें इस पार्ट में हैं, इंटरव्यू सुनिएगा, आपको यकीनन मज़ा आएगा। जी सर जी, नासिर अदीब साहब बहुत शुक्रिया, आपने जी ए एच एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी, उसके जो उसने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, जो नए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, इसके ऊपर तो बड़ी बात हो रही है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं सर पहला सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद आपको कितनी तरफ से, किस किस तरफ से ऑफर हुई है, और क्या आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे, किसी में हामी भरी है? देखिए जी, अभी तक तो मैं सिर्फ मुबारकबादें वसूल कर रहा हूँ, अभी लोग मेरे से रेट पूछ रहे हैं कि जी आप कितने पैसे लेंगे। अच्छा। और मुख्तलिफ लोगों से पूछवा रहे हैं, और मैंने उनको बताया कि जी मैं 50 लाख रुपया लूंगा, तो सुन के तो खामोश दायमा हो गए अभी, तो मुझे कोई इससे वो फर्क नहीं पड़ता, मैं एक फिल्म करूंगा लेकिन अपने स्क्रैप के साथ करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। तो ये असल में अब जो पोजीशन है ना, मैं आपको बता दूं, लेजेंड ऑफ मौला जट ने हमारी इंडस्ट्री का जो छोटा प्रोड्यूसर था, जिससे पहले 70-80 लाख रुपए की फिल्म बना के लगा लेता था, वो प्रोड्यूसर उसने खत्म कर दिया इस फिल्म ने, और हर प्रोड्यूसर को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि अगर हमने फिल्म बनानी है तो कैसे बनानी है, क्योंकि जो एक एक ट्रेंड कर दिया सेट द लेजेंड ऑफ मौला जट ने, जो चस्का पब्लिक को दे दिया है, अब पब्लिक अगर इस जैसा इससे आगे का कोई चस्का नहीं देगा तो कम अज कम इतना तो दे कि उनको लगे कि ये फिल्म भी किसी उसी डायरेक्टर ने बनाई है जिसने वो बनाई थी फिल्म। यानी फिल्म का जो मेयार है वो अब ये जो पहले फिल्में बनती थी देशी गुजरा दी गोबल अविया और फुलान, ये अब कोई नहीं देखेगा, ऐसा ही समझ आ गई। तो इसलिए प्रोड्यूसर भी अभी अब निकलेंगे, अब बड़े लोग पार तोड़ रहे हैं कराची से भी और इधर रोडरे से भी, तो लेकिन अभी तक मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की, ना मेरे पास डायरेक्ट कोई प्रोड्यूसर आया। हाँ, अलबत्ता चंडीगढ़ से, इंडिया से मुझे साइनिंग अमाउंट मिल गई है, वो फिल्म मैंने साइन कर ली है। अच्छा। और वो लिखने के लिए इंशाल्लाह मैंने वीजा अप्लाई किया हुआ कनाडा का, जैसे वीजा लगेगा तो मैं के लिए कनाडा चला जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। उनके लिए पहले भी मैंने फिल्म लिखी थी, उस वक्त वो फिल्म उन्होंने मुझे दी थी जब मेरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तो फिर वो फिल्म उन्होंने मेरे से की, फिर मुझे कनाडा बुलाया ना। तो वो फिल्म आ चुकी है सर, वो वाली नहीं, वो अब शुरू होने वाली, वो बड़े बजट की फिल्म है, उसका नाम है रिटर्न ऑफ जूना जट मोर। अच्छा, ठीक। वहाँ जैसे हमारे यहाँ मलंगी दुल्ला भट्टी साहब के राया मन खान करेक्टर थे ना, तो वहाँ चंडीगढ़ में सिखों में एक करेक्टर गुजरा है, मोर उसके गांव का नाम था, जीवना उसका नाम था, जिसके नाम से मशहूर था जीवना जट। तो जीवना जट में पहले इंडिया में फिल्म बनाई उसी प्रोड्यूसर ने, और वो सुपरहिट गई। मेरा जब उन्होंने ट्रेलर देखा दे लेजेंड ऑफ मौला जट, फिर उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया और मुझे कहा कि हमने इसको, जैसे आपने मौला जट को आगे बनाया है ना नई कहानी के साथ, जो इसी तरह आप इस फिल्म को भी हमें लिख दें। वो फिर बुलाया, वो फिर मैंने लिखा, उसका नाम लिखा दी रिटर्न ऑफ जूना जट मोर, वो इंशाल्लाह मेरे को जो प्रोड्यूसर ने पहले फिल्म शुरू की थी उसका नाम निशाना है, वो 25 नवंबर को, इस महीने की 25 को लग रही है, और उसके बाद ये फिल्म ऑन सेट चली जाएगी। उसी प्रोड्यूसर ने मुझे दूसरे सब्जेक्ट के लिए पहले बुलाया और मैं वहां जा रहा हूँ, फिलहाल मेरे पास सिर्फ ये प्रोजेक्ट है।
जी जी नहीं ये नासिर साहब बड़ी एजाज की बात है कि आपके कल मेरी खलील रहमान कमर साहब से भी बात हुई, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा था कि यार मैंने क्लैप होते अगर किसी पे देखा है ना सनमे पे तो वो नासिर दीप साहब है, तो ये तो बड़े एजाज की बात है। लेकिन सर एक चीज है जिस तरह अभी आपने बताया ना 50 लाख का, क्योंकि हमारे यहाँ सर जो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह आपने खुद भी कहा कि उस तरह का प्रोड्यूसर उस तरह का डायरेक्टर या उस तरह का प्रोड्यूसर मिल सकता है जिस तरह का द लेजेंड ऑफ मौला जाट है, तो अपनी सर मार्केट को अगर बिल फर्ज हम ओवरसीज में नहीं भी रिलीज करते, मार्केट को मद्देनजर रखते हुए फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए आपको इतनी ऑफर्स आ रही हैं, तो क्या इस 50 लाख के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा या नहीं होगा? नहीं, जो मेरी इंडस्ट्री के पुराने लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा खतरे में शार कर मसूद भट्ट है उसके साथ मेरी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 73 फीचर में रिलीज हुई है, और जो वो डायरेक्टर जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो प्रोड्यूसर की पहले फिल्में यहाँ बनाते रहे और वो फिल्म बनाना छोड़ गए, अगर उनमें से कोई आएगा तो उनके लिए रेट मैंने 30 लाख रुपए रखा हुआ है। अच्छा, उनके लिए 30 लाख रुपए रखा, नए आने वालों के लिए जो नए होंगे उनके लिए आपने ये वाला सेट किया? हाँ जी, वो बड़े देखिए हर फिल्म का बजट होता है ना, मेरे जो अंदाजा है जो मैंने मेरे साथ कुछ प्रोड्यूसरों ने डिस्कस किया तो मैंने उन्हें बताया कि इस वक्त अगर आप फिल्म चाहते हैं ना लोग आपकी देखे तो कम अज कम जो उसका बजट है वो 3 करोड़ रुपया रखे। अच्छा, सही सही बिल्कुल, इससे कम में आप फिल्म बनाएंगे फिल्म नहीं बनेगी, लेकिन वो तो चूंकि बड़े हाई लेवल की फिल्म थी वो तो सोच समझ के बनाई गई तो इतना पैसा तो आप लोगों में से कोई भी नहीं लगा सकता, लेकिन 3 करोड़ आपके पास कैश होना चाहिए तो आप एक मेयारी फिल्म बना सकते हैं। ठीक है, और वो फिर उन्होंने माना उसके बाद को माना कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा बजट जो है वो 30 लाख रुपया है। अच्छा, और सर मैंने इंडिया की फिल्म साइन की है उनसे मैंने इंडियन 25 लाख रुपया लिया जो यहाँ 50 लाख बनता है, लेकिन उनकी सर मार्केट भी तो बड़ी है ना, उनको तो रिटर्न का भी चांस है, इसलिए जब मैंने मांगा उन्होंने हाथ के दे दिया। उन्हें रिटर्न भी तो हो सकता है ना सर, देखें उनका रिटर्न भी उसी तरह है, वो बिल्कुल सही है। और सर एक चीज है कि जिस तरह अभी आजकल बड़ी बहस हो रही है, अगर मुझे बॉलीवुड से किसी ने बुलाया जी जी ये तो मैं चंडीगढ़ की बात कर जी जी अगर किसी ने बॉलीवुड से बुलाया तो उसके उनसे मैं 1 करोड़ रुपया लूंगा। अच्छा, उनसे 1 करोड़ रुपया लेंगे, ठीक। और सर आजकल जी जी बड़ी बनाते हैं जो बड़े बजट की बड़ी फिल्म सर बड़ी बात हो रही है जिस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जाट का एक बन गई, जिस तरह कहते हैं ना फिल्म बन जाती है, नो डाउट कि उसके अंदर बड़ी बिलाल लशारी साहब की और आप सब की पूरी टीम की बड़ी मेहनत है, लेकिन आपको लगता है सर आजकल बड़ी, मैंने उस दिन अल्ताफ सैन साहब के भी इंटरव्यू किया, इसके अलावा मैंने गुलामुद्दीन साहब से भी मेरी बात होती रहती है, मुस्तफा कुरैशी साहब से भी बात हुई, तो सबका कहना यह है कि ये फिल्म तो बन गई है लेकिन इस फिल्म से फायदा कितना होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, उसकी वजह यह है कि बिलाल लशारी साहब तो 10-11 साल बाद एक फिल्म बनाते हैं या ज्यादा 6-7 साल बाद बनाते हैं, आप क्योंकि नासिर भाई आपको तजर्बा है, आपने माशाल्लाह 400 से ज्यादा फिल्में लिखी हैं, आपको था इंडस्ट्री को फायदा उसी वक्त होता है जिस वक्त साल में कम से कम 2 फिल्में तो एक हदायतकार बनाए ना आगे, तो आपको लगता है कि इसके बाद रिकॉर्ड तो सेट कर लिए इसने, इसमें कोई शक नहीं है, इससे फिल्म इंडस्ट्री जो मौजूदा उसकी सूरत हाल है मौजूदा जिस पांव पे जिस बजट के साथ खड़ी हुई है इससे फायदा होगा कोई जब तक कोई इतने बड़े बजट के साथ नहीं आएगा? देखिए मैं आपको बताऊं जहीर भाई, हर प्रोड्यूसर के पास पैसे हैं, आज भी है, इससे पहले जब बनाते थे उस वक्त भी है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो थी जिस वक्त मैं राइटर बना और जब सुपरिट हुई पंजाबी का दौर आया उस दौर में फिल्म इश्तेहार पे पूरे सर्किट में टिक जाती थी, तो प्रोड्यूसरों ने मुफ्त भरी में फिल्में बनाई, 300 रुपए का इश्तेहार देते थे, 1 लाख रुपया गुजरांवाले से आ गया, 1 लाख रुपया फैसलाबाद से आ गया, सियालकोट से 1 लाख रुपया आ गया, सर्दी वाले भी एडवांस देते थे जी जी, और मुल्तान से आ गए, सरगोधा से आ गए, कराची से आ गए, 10-12 लाख रुपए जमा कर दिए, जो एक्टर होते थे उनको लेटर देते थे कि रिलीज पर पैसे देंगे, जो टेक्नीशियन होते थे वो सस्ते होते थे, मतलब मैं था मुझे 70,000-50,000 रुपए का, मैं राइटर था तो मैंने उस इंडस्ट्री से तो हाईएस्ट अमाउंट 1,80,000 रुपया लिया, उससे आगे मैं नहीं जा सका, किसी ने मुझे दिए तो वो फिल्म वो बना लेते थे लोगों के पैसों से और प्रॉफिट ले जाते थे, घर फिल्म फलाफी होती थी तो वो भी 5 से लेकर 7 लाख रुपया प्रॉफिट देती थी, क्योंकि 350 स्टेशन था पंजाब में, समझ रहे मेरी बात? तो अब वो सैन्य खत्म हो गए बिल्कुल, अब प्रोड्यूसर मुफ्त भरी से फिल्म कोई भी नहीं बना सकता, अब उसे पैसे अपने पास से लगाने पड़ेंगे, अब फिल्म बिकती नहीं कोई लेता नहीं है और ना ही बेचना जो है प्रोड्यूसर को सूट करता है,
लेकिन बिलाल लखियारी ने फिल्म बनाई कहते हैं 45 करोड़ की है। चलो मैं कहता हूँ इसमें 10 करोड़ का झूठ मान ले, 35 करोड़ की होगी, तो 35 करोड़ की फिल्म बनाकर 10-12 लाख रुपए की गुजरा वाला कौन सेल करेगा? ये बात ठीक है, ये सही है। 30 लाख रुपए की मुल्तान कौन सेल करेगा? देखिए मुल्तान में उन्होंने खुद फिल्म लगाई है, 5 करोड़ से ऊपर उसका शेयर आ चुका है, अभी जारी है। तो कहने का मतलब यह है लाहौर की साइडें यहाँ हम बेचते होते थे, मुझे अभी तक याद है 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक, मेन चन्ने के अलावा जितनी साइडें 12-13 वो बिकती थी। सिर्फ लाहौर में 33 करोड़ रुपए से ऊपर इस फिल्म का बिजनेस है, कौन बेचेगा? ना कोई बेचेगा ना कोई लेगा। लिहाजा अब प्रोड्यूसर को सारे पैसे पन्ने से लगा के तो खुद रिलीज करनी पड़ती है। तो चार पाई घूमती है जेक साहब जी, होता था फिल्म हमारी बनती थी 70 लाख की फिल्म लाते थे, 72 लाख रुपए की बुकिंग होती थी उनकी, 2 लाख प्रॉफिट में रिलीज करते थे। बड़ी से बड़ी फिल्म है, मुझे याद है बहुत महंगी फिल्म बनाई थी मेरा ब्रदर इन लॉ, उसे जंगल क्वीन से नो डायरेक्टर जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फिल्म 1.5 लाख हो गई, लेकिन 90 लाख रुपए की फिल्म थी, 92 लाख रुपए की उसकी बुकिंग थी। तो वो दौर जो है ना अब प्रोड्यूसर ढूंढता है, उस पर वो दौर प्रोड्यूसर को नहीं मिल रहा है, इस वक्त हर प्रोड्यूसर जो है उसके मुंह में लाल है, फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन अब जो मसला सामने है वो ये है कि पैसे कैश और बुकिंग कोई नहीं, तो उसके लिए क्या चीज चाहिए? मजबूत स्क्रिप्ट चाहिए जी, बात ठीक, क्योंकि मजबूत स्क्रिप्ट होगा तो फिल्म हिट होगी, वरना फिल्म स्क्रिप्ट के बगैर तो कोई दुनिया में डायरेक्टर हिट नहीं करवा सकता। अब वो पहले स्क्रिप्ट जो वो लेते थे वो 50,000 रुपए वाला नासिर भी अब उन्हें नहीं मिलेगा, किसी और राइटर को अगर ले लेंगे चलो ले लें कोई बात नहीं, हो सकता उनको 60-70 हजार रुपए में या लाख रुपए में अच्छा राइटर मिल जाए वो ले लें, लेकिन वो जो लेंगे तो वो फिल्म उस पर 3 करोड़ लगाना हमाकत होगी। ये बात ठीक, नासिरुद्दीन को ना ले तो खलीलुर रहमान कमर को तो ले, ये बात ठीक है, तो खलीलुर रहमान कमर को भी ले लेंगे तो वो तो मैं तो 50 लाख मांगा वो तो 1 करोड़ रुपया मांगता, उसको तो 50 लाख रुपया लोग देते हैं और उसके पास टाइम नहीं है, क्यों? कि उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है नई इंडस्ट्री में, वो खा ड्रामा हो वो खा फिल्म हो वो खा शायरी हो, उसने जो लिखा शाहकार बिल्कुल मेहरबानी है बिल्कुल, वो मेरी तारीफ करता, लेकिन आप यकीन करें उस जैसा ऑलराउंडर मैंने देखे नहीं आज तक, कि ड्रामा लिखा तो इंतहा कर दी, फिल्म लिखी तो इंतहा कर दी, गाना लिखा तो मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, तेरी आंखों के पर बिल्कुल हाँ। तो ऐसा जो आदमी है वो कहाँ मिलेगा? तो ये नायाब लोग हैं, ये खलीलुर रहमान कमर नायाब आदमी है। अच्छा सर, वैसे जी जी मैं एक चीज बिल्कुल इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप सर डायलॉग की वजह से मशहूर हुए, स्टोरीज सारे लिख लेते हैं लेकिन डायलॉग आपको पता है कोई लिख सकता है। अच्छा इस आपसे पहले मेरे ख्याल में अगर मैं गलती पे नहीं हूँ जो शान साहब के वालिद थे वो भी अपने डायलॉग की वजह से पॉपुलर थे, ऐसे ही है? आप तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ये साबित किया है, अभी खलीलुर रहमान कमर साहब और दरमियान में आप आए और आपसे पहले शान साहब के वालिद जो थे, कि जिन्होंने साबित किया कि डायलॉग भी कोई चीज होती है और डायलॉग की बुनियाद के ऊपर फिल्में चलाई गई हैं जो जुबान जदयाम हुए डायलॉग फिर। तो आपको सर ये वाला जो था, क्योंकि आपके पहले जो शान साहब के वाले साहब थे वो उन्होंने कम फिल्में लिखी, इतनी ज्यादा नहीं लिखी, आपको आप इरादतन आपके जहन में था कि डायलॉग के ऊपर मैं खेलूंगा तो मैं पॉपुलर होऊंगा, या कुदरत ने आपसे करवा लिया था ये? नहीं सर, ये तो मुझे गॉड गिफ्ट है, ये तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं आया था राइटर बना था तो उस मुझे मेरी जब सुपरहिट हो गई जी तो उसके डायलॉग जो थे उन्होंने चौंका दिया लोगों को, तो फिर मुझे पता चला कि पंजाबी जुबान में भी मकालमा जो कितनी अहमियत रखता है, उससे पहले पंजाबी जुबान की वो कंडीशन थी जो आज पश्तो जुबान की है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। तो जिस 75 में मेरी फिल्म रिलीज हुई तो मिर्जी हसन अफ्की साहब लेके गए किंग मारा के दफ्तर में, इनकी फिल्म सुपरहिट हुई थी और हर डायरेक्टर जब फिल्म सुपरहिट हो जाए तो राइटर वो मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाता है ठीक लेने के लिए या यूं कह लें कि फिल्म लेने के लिए, वहां मेर साहब भी बैठे हुए थे। अच्छा नदीम साहब, ये जी ये 75 का दौर है और ये उर्दू का 19 का दौर था, ठीक है जी। 75 में 82 फिल्में टोटल रिलीज हुई थी,
1971 में 79 उर्दू थी और 3 पंजाबी थी। अच्छा अच्छा, मेरा काम कैस की साहब ने एक साहब ये नासरुद्दीन है जिन्होंने मेरी फिल्म वैसी हड्डी की, मैंने सलाम किया। भाई साहब गर्दन मोड़ के मुझे देख रहे थे, उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। ओ रियली जी? अच्छा, तो ये मुंह टर्न करके वो बात कर रहे मैडम शुरीमा से मरुमा से कोई से बातों में लग गए। मैंने बहुत जल्द शर्ट फील की, मैं कमरे छोड़ के बाहर आ गया। ये बात है 8 अगस्त 1975 को मेरी फिल्म लगी थी और ये 12 तारीख की बात है, 12 अगस्त की। अच्छा 1975। जी जी ठीक है। बाहर आ गया, उसके 15-20 मिनट बाद अश्विन साहब भी बाहर आ गए, बेग साहब भी बाहर आ गए। बेग साहब कहीं जान लगे तो मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा बेग साहब बेग साहब रुक गए। मैंने कहा बेग साहब मैंने आपको सलाम किया, आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मुस्कुराए कहने के मेरे भाई मैंने सुना नहीं, आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा, मैंने कही कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरे साथ एक बात कहना चाहता हूँ, हमने बुरा नहीं मना। कहेंगे हाँ, मैंने कहा एक वक्त आएगा इंशाल्लाह जब मैं आपको नरम दम सोफों से उठा कर ना सख्त लकड़ी के बेंचों पर लेकर आऊंगा। उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। शायद वो शायद ये बात भी ना सुनी हो, शायद ये बात भी ना सुनी हो उन्होंने। मामले सामने दो ही थे जी, लेकिन उनकी मेरे ख्याल में समझ में नहीं आई बात। अच्छा, अगर वो मैं पूछे कि इसका मतलब क्या है तो मैं जरूर बताता, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। शायद वो मेरे साथ मजीद बात नहीं करना चाहते, या शायद आपकी बात को अहमियत भी नहीं दी मेरे ख्याल में, ये भी हो सकता है। अहमियत नहीं दी, वो चले गए। उसके बाद अब शबाब स्टूडियो में बिल्कुल हो रही थी, मैं चला गया। जब मैं गया तो मैं किसी के साथ गया था, मैं सच में जाने लगा तो मुझे पैगाम आया, लड़का आया कहता जी आपको शबाब साहब बुला रहे। शबाब किरानी साहब? शबाब किरानी साहब। मैं समझे शायद फिल्म होंगे, मैं बड़ा खुश हुआ कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं चला गया, वो सामने बैठे थे और ये मेरी उनके साथ जिंदगी की दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में मैंने उनका इंटरव्यू किया था एज ए साफी। अच्छा सर, बता। एक आदमी उनके सामने कुर्सी में बैठा था, उसकी मेरी तरफ बैग थी। मैंने सलाम किया, शबाब साहब ने सामने बैठे शख्स से कहा कि बेग साहब अच्छा आप पूछ रहे थे ये है वो लड़का जिसने मौला जट लिखी। ओके, उस दिन पहचान बनी आपकी। अच्छा जी, चलने के मत देखा उठे, मेरे सीने से लगाया और थपकी दी और एक जुमला बोला, कहता है फैंटास्टिक, मैंने ऐसे मुकाबले नहीं सुने आज तक। मैंने कहा आपने फिल्म देखी? कहता हाँ मैंने देखी। मैंने कहा वो बॉक्स में देखी होगी? कहता हाँ। मैंने कहा लकड़ी के बैग में बैठे होंगे? कहता हाँ। मैंने कहा कभी मैंने आपसे एक बात की थी याद है? कहते बरखोदार मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं। उसके बाद सर पंजाबी बहनों को अल्लाह के लिए मुझे मैं वहां तक लेकर आया कि उर्दू फिल्में बंद होगी
पंजाबी फिल्म होती। फिर मेहर साहब ने भी मेरी फिल्मों में काम किया। लेकिन मैं आपका ये किस्सा आगे सुनने से पहले एक जिमनी जुमला बीच में बोल देता हूँ। मौला जट के बाद मुझे याद है जब मैं पुराने अखबार देखता हूँ तो तीन दफा कम से कम बेग साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। चले अब आप कंटिन्यू करें सर। ठीक है, क्योंकि करने को रहा कुछ नहीं, रहा कि कुछ नहीं किया था। जी जी, तो आप बता रहे सर। जी जी, बेग साहब ने काम किया, वहीद मुराद साहब ने काम किया, रानी बेगम ने किया, शबनम ने किया, बाबरा शरीफ ने किया, मोहम्मद अली साहब ने किया, लाला सुधीर ने किया, कमाल एक्टर कराची का था उसने पंजाबी फिल्म बनानी। जी जी, कमाल ने बड़ी फिल्में बनाई। बिल्कुल किया। तो अब आज 96 में जब आखिरी फिल्म सुल्तान एक साथ रिलीज हुई जिसका नाम था सखी बादशाह। सखी बादशाह की दमदम भरोसा यार वाला। हाँ जी जी जी। अच्छा, उस साल 125 में रिलीज हुई सर। 96 में 97 में। अच्छा 96 में। उसमें पंजाबी की 119 थी और 6 उर्दू थी। ओ, यानी के ये आप सफर बता रहे हैं तीन पंजाबी और बाकी सारी उर्दू से लेके और यहाँ तक। जी, और अगर आपको ने मेरे इंटरव्यू देखते हैं। जी जी, पंजाब इंडस्ट्री में बुरहान है और इंटरव्यू शुरू होता है जी, रिवाइवल कैसे होगी? कोई कहता था जी नई तकनीक आना चाहिए, नए कैमरे आने चाहिए, लैब होने चाहिए, और जी अकेडमी होनी चाहिए, गुना होना चाहिए, बड़ी बातें करते थे। इसे तो मैं एक ही बात बताता था कि पंजाबी फिल्म का रिवाइवल जब भी होगा पंजाबी फिल्म से होगा और उस फिल्म से होगी जो भाव में बनी गई सुपरहिट होगी। बिल्कुल, ये मैंने आपके इंटरव्यू बाद में भी सुने हैं, ये मैंने बाद में भी सुने हैं, जब अभी मौला जट रिलीज नहीं हुई थी, जब ये वाली अभी शुरू भी नहीं हुई थी सर। अच्छा, तो आज देख ले आप इंडस्ट्री में बेशक फिल्म नहीं बन रही, देखते इंडस्ट्री का डंका जो है इस दुनिया के आखिरी कोने तक करियर तक गूंज रहा है। इंडस्ट्री कोई है इंडिया में पहले बार डायरेक्टरों ने इस फिल्म को लंदन जाकर देखा है। अच्छा, जिसमें करण जौहर भी शामिल है, जो उसकी मेरे पास तस्वीर भी आ गई है। अच्छा, जबरदस्त, ये तस्वीर मुझे भिजवाइएगा सर, मैं उसमें लगाऊंगा बीच में। जी जरूर, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे ऐड करके। जी जी, मैसेज कीजिए, मैं आपको। नाजरीन, आपने इंटरव्यू सुना नासिरुद्दीन साहब का, ये अभी शुरुआत है। नासिरुद्दीन साहब ने पुरानी मौला जट के हवाले से, अदाकारों के हवाले से बड़ी बात की है, यूसुफ खान, सुल्तान राही साहब के हवाले से बात की है, साइमा साहिबा के हवाले से बात की है, सरवर भट्टी ने जो हमारे यहाँ ही जो बातें की थी उनका जवाब दिया है उन्होंने, सरवर भट्टी साहब की बातों का, और बहुत ज़्यादा बातें की। और हमने उनसे पूछा कि आप राइटर हैं, आप जो है आपको, क्योंकि राइटर जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है, वो फील करता है चीज़ों को, तो आपको दो ऐसे इंसान इंडस्ट्री के कौन से ऐसे लगे जो अदाकारी से हट के, जिनका कोई जवाब नहीं था, उनका उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनेंगे आप अगले पार्ट्स में, तो आपको यकीनन ये तवील इंटरव्यू जो है वो पसंद आएगा। अभी तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।